नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं सर्व शिक्षा अभियान में निकली हुई भर्ती के बारे में। सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि सर्व शिक्षा अभियान में हो रही है। तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे हमने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान है और नंबर ऑफ वैकेंसीज 1050 है टोटल वैकेंसीज। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको डिग्री डिप्लोमा पास होना जरूरी है और रिक्वायरेंस क्वालिफिकेशन के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लेंगे, पर उसके पहले हम देख लेते हैं कि जॉब लोकेशन क्या है। जॉब लोकेशन है तेलंगाना, यानी सिलेक्ट होने पर आपकी पोस्टिंग तेलंगाना में होगी। नेम ऑफ पोस्ट है टीचर्स, यानी बहुत से टीचर्स के पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसी हो रही है। कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब्स है। नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 1050 है और पोस्ट का नाम है टीचर्स। तो अब हम देखेंगे पीडीएफ में क्या जानकारी मिल रही है। तो जैसे आप यहाँ पर ये जो लिंक्स दी गई उन्हें एक्सेस करोगे, ये जो पीडीएफ है ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी जानकारी बताई गई है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉन्ट्रैक्ट रेसिडेंट टीचर पीजीसीआरटी के पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती हो रही है वेरियस टीचर्स है। तो अप्लाई करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न और इक्विवेलेंस क्वालिफिकेशन आपके पास होना जरूरी है और मार्क्स जो होने चाहिए आपके पास 45% होने जरूरी है। इन केस ऑफ एस सी एस टी बी सी डिफरेंशियल एबल कैंडिडेट्स एंड मिनिमम मार्क्स शैल बी 45। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स आपको एग्रीगेट होने जरूरी है। बैचलर्स एजुकेशन यानी बीएड या बीए बीएड बीएससी बीएड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीसीटी, तो आपको ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन जो आपका होना चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 2 ईयर्स ऑफ इंडिकेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट आपने किया होना जरूरी है और आपके पास एनसीईआरटी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। पीजीसीआरटी इन तेलुगु, आपको सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन आपको तेलुगु आनी जरूरी है, ऐसे अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो नेम ऑफ पोस्ट बहुत सारे है, 1050 पोस्ट की वैकेंसी है, तो बहुत बड़े पैमाने पे भर्ती हो रही है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बीएड डीएड करना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। पोस्ट वाइज यदि आप हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको हिंदी, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में होना जरूरी है। इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इंग्लिश में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है बी एड डी एड के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो लास्ट डेट इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो है वो है 23 जून 2018। तो आप देख सकते हो आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए उत्सुक है तुरंत अप्लाई करेगा और आपका एप्लीकेशन निश्चित करे, क्योंकि सुनहरा मौका वापस नहीं आएगा। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तुरंत अप्लाई करे और आपका एप्लीकेशन निश्चित करे। बहुत दिनों बाद कोई वैकेंसी निकली है और वो भी तेलंगाना में, वो भी टीचर के सर्व शिक्षा अभियान में। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तुरंत अप्लाई करेगा। और ऐसे जॉब्स की जानकारी यदि आपको पाते रहना है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है लेटेस्ट सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब्स, जिसमें हम आपको आई हुई सभी नौकरियों की जानकारी देते हैं। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जॉब्स की जानकारी देते रहिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।